हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। विभागों के अधिकारियों की भी पुलिस मदद लेकर एनफोर्समेंट कर रही है। एनएसएस और एनसीसी के कैडेट्स भी पुलिस की एनफोर्समेंट में सहयोग दे रहे हैं। एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज की स्थिति नियंत्रण में है। जैसे मैंने कल बताया था, इस व्यवस्था को और भी सुदृढ़ करने के लिए गृह मंत्रालय ने कल सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर फिर से स्पष्ट किया है कि मंत्रालय की गाइडलाइंस का लेटर और स्पिरिट में अनुपालन होना चाहिए। सभी ट्रक्स और गुड्स कैरियर्स का इंटरस्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट अलाउड है, चाहे वो कार्गो एसेंशियल हो या नॉन एसेंशियल। कार्गो मूवमेंट के लिए अलग से कोई भी परमिट या अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। खाली ट्रक्स और गुड कैरियर्स भी अलाउड है, क्योंकि ये गुड्स को पिकअप करने के लिए जाते हैं या गुड्स की डिलीवरी करने के बाद वापस आते हैं। ट्रक में ड्राइवर और उसके साथ एक व्यक्ति परमिटेड है। हमने पत्र में ये भी लिखा कि लोकल अथॉरिटीज को ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की सक्रियता के साथ उनके घरों से ट्रक की लोकेशन तक जाने में सहयोग देना चाहिए। लॉकडाउन एक्टिविटीज के अंतर्गत जो औद्योगिक और व्यावसायिक एक्टिविटीज की अनुमति है, उनके वर्कर्स की सरल आवाजाही में भी लोकल अथॉरिटीज को सहयोग देना चाहिए। रेलवेज, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स और कस्टम्स के अधिकारियों को उनके स्टाफ और कंट्रैक्चुअल लेबर को पास देने के लिए अधिकृत किया गया है। ये सब भी सुनिश्चित करना चाहिए। स्टेट्स और यूटीज को त्वरित गति से उन कंपनीज और संगठनों के वर्कर्स के लिए पास इशू करना चाहिए जो लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन से एग्जेम्प्ट हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्टेट्स और यूटीज के बॉर्डरिंग एरियाज में हैं, उनको कोई समस्या ना आए इसका भी ध्यान रखना चाहिए। जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एसेंशियल आइटम्स में कार्य कर रहे हैं, जैसे आटा, दाल और एडिबल ऑयल, उनके कार्यों में कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेजेस को भी बाधा रहित तरीके से ऑपरेट करने देना चाहिए, चाहे वे एसेंशियल गुड्स के लिए कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस हो, चाहे अन्य गुड्स के लिए। ये निर्देश हॉटस्पॉट्स और कंटेनमेंट एरियाज को छोड़कर सभी क्षेत्रों पर लागू हैं और इन सब एक्टिविटीज को करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और प्रॉपर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस का कंप्लायंस इंश्योर करना चाहिए। सभी राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना है कि सभी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज और फील्ड एजेंसीज तक इन गाइडलाइंस की जानकारी पहुंचाएं, जिससे कि लोक हित में ये सब परमिटेड एक्टिविटीज बाधा रहित और सुचारू रूप से चलती रहे। इन सब मेजर्स से हम इंश्योर कर सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान एसेंशियल कमोडिटीज और सर्विसेज में कोई भी कमी ना आए। धन्यवाद। आई सी हमारे रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। कल तक हमने 2,06,212 टेस्ट किए हैं, उनमें से 14,855 पिछले दिन जो हुए थे वो 156 लैब से हुए हैं, और जो 69 जो प्राइवेट सेक्टर में के लैब है उनमें से 1913 टेस्ट हुए हैं। हमने 14 मेंटोर इंस्टीट्यूट्स करके उनको खड़े किया है कि जो, यानी सब लोगों का कहना है कि अलग अलग जगह पे टेस्टिंग फैसिलिटी होए तो वो रीजनल उनको स्टेट एलोकेशन किया है, और वो लोग अपने इलाके में वो देखेंगे और कहीं नई लैब खोलना है क्या, कहीं वो फिजिबल है क्या, उनके पास सारे इक्विपमेंट है क्या और वो ट्रेन कर सकते हैं क्या। आज भी हमको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, जिस ढंग से हम टेस्ट कर रहे हैं अभी जितना स्टॉक है उसमें हम 6 हफ्ता टेस्टिंग आराम से कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हेल्थ प्लीज। कोविड-19 के संबंधित इशू पर रिसर्च को रिव्यू करने के लिए माननीय हेल्थ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर साहब ने CSIR की लैब, DGCSIR और उनकी 38 लैब के साथ
कल एक डिटेल रिव्यू लिया था, जिसके तहत CSIR में एक कोर स्ट्रैटेजी ग्रुप बनाया गया है और उस स्ट्रैटेजी ग्रुप के तहत मुख्यतः डिजिटल और मॉलिकुलर सर्वेलेंस, रैपिड एंड इकोनॉमिकल डायग्नोस्टिक्स, न्यू ड्रग्स, रीपर्पजिंग ऑफ ड्रग्स एंड एसोसिएटेड प्रोडक्शन प्रोसेसेस पर काम किया जा रहा है। CSIR की ये लैब्स प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और मंत्रालयों के साथ भी क्लोज कोऑर्डिनेशन में कार्य कर रही हैं। इसके साथ ही स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत 27 राज्यों में 78,000 के करीब हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स हैं उनके द्वारा अब तक 1.96 करोड़ मास्क का प्रोडक्शन किया जा चुका है। साथ ही नेशनल कैडेट कोर द्वारा एक्सरसाइज NCC योगदान के तहत सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद की जा रही है। COVID-19 के खिलाफ की इस लड़ाई में अब तक 50,000 से अधिक लोगों ने वॉलंटियर किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जान भी है जहान भी है और उनकी यह कॉल इज ऑल्सो बैक्ड बाय एक्शन। 10 अप्रैल तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के पैकेज के तहत अब तक 30 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को COVID-19 के कारण हुए लॉकडाउन के प्रभाव से संबंधित बचाने के लिए सपोर्ट के लिए 28,256 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान की गई है। दिस इंक्लूड्स सपोर्ट टू 19.86 करोड़ जनधन योजना विमेन अकाउंट होल्डर्स, जिनको की 9,930 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। साथ ही पीएम किसान योजना के तहत 6.93 करोड़ फार्मर्स को करीब 13,855 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसी तरीके से सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत 2.82 करोड़ विडोज, सीनियर सिटीजन्स और जो हमारे दिव्यांग हैं उनको करीब 1,405 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। 2.16 करोड़ जो हमारे बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्कर्स हैं उनको भी करीब 3,066 करोड़ रुपीज की राशि के द्वारा हमने ऑनलाइन ट्रांसफर किया है। मैं यही आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि वाइल नेशन इज एट लॉकडाउन, हम ये चाहते हैं कि लाइफ ना रुके और इसीलिए एफर्ट्स हैं कि वाइल लाइव्स आर बीइंग प्रोटेक्टेड उसी के साथ साथ लाइवलीहुड के ऊपर भी काम हो। अब तक अगर मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा तो एक बहुत पॉजिटिव न्यूज लाना चाहूंगा कि अब तक अराउंड 857 लोग रिकवर हो चुके हैं और उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो एक ही दिन के अंदर 141 लोग जो रिकवर हुए हैं हमारे यहां पर। अगर पॉजिटिव केसेस और रिपोर्टेड डेथ की स्थिति अगर हम देखें तो टोटल 9,152 पॉजिटिव केसेस आए हैं, टोटल 308 डेथ रिपोर्ट हुई हैं और एक दिन के तहत देखें तो 796 पॉजिटिव केसेस एडिशनल आए हैं और इसके साथ ही टोटल 35 एडिशनल डेथ देश में रिपोर्ट की गई हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट फील्ड स्थाई पर जो हमारा जिला एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स काम कर रहे हैं उसके रिजल्ट दिखने भी लगे हैं। आज अगर हम देखें तो 15 राज्यों में 25 जिलों में, उसमें पिछले 14 दिन से, जबकि वहां पर इससे पहले के पॉजिटिव केसेस आए थे तो पिछले 14 दिनों से कोई भी पॉजिटिव केसेस रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। मैं इन जिलों के नाम आपकी दृष्टि में लाना चाहूंगा जिसमें है गोंदिया इन महाराष्ट्र, राजनांदगांव, दुर्ग और बिलासपुर इन छत्तीसगढ़, देवनगिरी, कोडगु, तुमकुरु और उड़ीपी कर्नाटका में, साउथ गोवा इन गोवा, वायनाड और कोट्टयम इन केरला, वेस्ट इम्फॉल इन मणिपुर, राजौरी इन जम्मू एंड कश्मीर, आइजोल वेस्ट इन मिजोरम, माहे इन पुडुचेरी, SBF नगर इन पंजाब, पटना, नालंदा और मुंगेर बिहार में, प्रतापगढ़ इन राजस्थान, पानीपत, रोहतक, सिरसा इन हरियाणा, पौड़ी गढ़वाल इन उत्तराखंड, भद्राद्री कोतागुड़म इन तेलंगाना। इसमें मुख्यतः बात यह है कि इन जिलों में जब पॉजिटिव केस आया तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कंटेनमेंट स्ट्रेटजीज के तहत काम किया और जिसके रिजल्ट फलस्वरूप हमें कुछ कुछ दिखने भी लगे हैं, लेकिन आज फिर भी यह जरूरत है कि हम अपनी विजिलेंस कंटिन्यूड उसी विगर उसी एनर्जी के साथ बनाए रखें। हम यह सुनिश्चित करें कि आने वाले दिनों में भी इन जिलों में कोई नया केस ना आए। हम हर स्तर पर टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। टाइमली रेस्पॉन्स के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज करना बहुत ही आवश्यक है। हम टेक्नोलॉजी के द्वारा लाइव केस ट्रैकिंग, केस मैनेजमेंट और कंटेनमेंट प्लान की इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। GIS मैपिंग के द्वारा
पॉजिटिव कंफर्म केसेस, एक्टिव इंटरवेंशन एरिया आइडेंटिफिकेशन, कंटेनमेंट प्लान इम्प्लीमेंटेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हीट मैप्स और प्रेडिक्टिव डेटा एनालिसिस के द्वारा फ्यूचर में किस एरिया में हमें काम करना है उसका प्रयोग किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स हैं जिनके द्वारा रैपिड रेस्पॉन्स टीम और एम्बुलेंस और क्वारंटाइन मैनेजमेंट को मैनेज किया जा रहा है। कुछ जिलों ने रिमोट डिजिटल मेडिकल कंसल्टेशन भी शुरू किया है जिससे कि लोकल मेडिकल स्टोर्स भी कनेक्टेड हैं। सरकार ने कोरोना वायरस इन्फेक्शन के रिस्क असेसमेंट के लिए नागरिकों के लिए एक आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का भी लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन 11 लैंग्वेजेज में उपलब्ध है। इसके अब तक 3.45 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं। इसके द्वारा एक कॉमन सिटीजन अगर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो ना ही वो अपना रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं, इसके साथ ही अगर इस एप्लीकेशन को सभी लोगों ने डाउनलोड किया हो तो उनको अगर वो किसी पॉजिटिव या उस टाइप के आदमी के पास जाएंगे तो उनको एक रिक्वायर्ड अलर्ट भी मिलेगा। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि यह एप्लीकेशन जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी एल्गोरिथम और AI बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाई गई है, इसको कृपया करके सब लोग डाउनलोड करें और इसका फायदा उठाएं। हम NSS, NCC, रेड क्रॉस, एक्स आर्मी पर्सन, रिटायर्ड हेल्थ प्रोफेशनल्स और मुख्यतः वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो फील्ड लेवल पर हमारे साथ काम कर रहे हैं उन सब की वॉलंटियरिंग हेल्प को ले रहे हैं। हम उन सबको सैल्यूट करना चाहते हैं क्योंकि सब हमारे साथ खड़े होकर इस लड़ाई में हमारा सहयोग कर रहे हैं। इसके तहत कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, कैसे कॉमन सिटीजन को रिक्वायर्ड हेल्प प्रोवाइड कराई जा रही है, एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बेंगलुरु का वॉर रूम आपके सामने हाईलाइट करना चाहूंगा जो कि स्टेट को कोविड मैनेजमेंट के लिए सपोर्ट दे रहा है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी माने जाने वाला शहर बेंगलुरु, जहां IT एक्सपर्ट्स कंप्यूटर और इंटरनेट प्रणालियों को प्रभावित करने वाले वायरसों का समाधान ढूंढने में कभी चूकते नहीं, कुछ ऐसे ही उन्होंने कोरोना वायरस के विरुद्ध भी अभियान छेड़ दिया है। भारत में कोरोना से मौत का पहला मामला जब कर्नाटक से आया तो सरकार तुरंत हरकत में आ गई। ये है बेंगलुरु में बनाया गया 24 घंटे काम करने वाला वॉर रूम। यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, रिसर्च स्कॉलर्स, साइकोलॉजिस्ट, नागरिक, शिक्षाविद, रेड क्रॉस कर्मी सभी कोरोना योद्धा की भूमिका में हैं। विभिन्न क्षेत्रों के 22,000 से अधिक लोग खुद को कोरोना योद्धा के तौर पर पंजीकृत करा चुके हैं। यहाँ हर आने वाली कॉल का जवाब दिया जाता है, कॉलर को उचित और आवश्यक जानकारियाँ मुहैया कराई जाती हैं। दिस अ परफेक्ट वे दैट ऑल द स्टार्टअप्स एंड द गवर्नमेंट एंड एकेडमी हैज कम टुगेदर। इट गिव्स यू रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव केसेस, सस्पेक्टेड केसेस एंड एन एंटायर ग्राफ एट द तालुका लेवल एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल। हंगर हेल्पलाइन नंबर 155214 भी इस वॉर रूम से संचालित किया जा रहा है। श्रम विभाग द्वारा संचालित ये हेल्पलाइन नंबर प्रवासी मजदूरों और बेघरों की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करता है, जहां जरूरतमंदों को सिर्फ 155214 पर कॉल करना होता है। वॉर रूम में विशाल इलेक्ट्रॉनिक वॉल है जिस पर हर आने वाले फोन कॉल का स्थान और उन तक पहुंचने वाले वॉलंटियर्स की जानकारी होती है। ई वॉल पर लाल निशान शहर भर से आने वाले कॉल्स को दर्शाता है। लॉकडाउन शुरू होने के बाद से 10 लाख से अधिक लोगों को भोजन दिया जा चुका है। इसके अलावा वॉर रूम फेक न्यूज के भांडाफोड़ में भी अहम योगदान दे रहा है। दिस इज द नर्व सेंटर, व्हाट वी कॉल इट अ CM's वॉर रूम ऑन COVID-19। दिस इज वेयर वी आर फाइटिंग वेरियस बैटल्स। द फर्स्ट बैटल दैट वी फाइट, व्हाट यू आर सीइंग ऑन द बिग स्क्रीन्स, इज द फाइट अगेंस्ट हंगर। नाउ द विजन ऑफ Honorable Prime Minister and Chief Minister is to ensure that nobody goes hungry in our state and country. बेंगलुरु महानगर पालिका के परिसर में भी इस नियंत्रण कक्ष की एक महत्वपूर्ण इकाई है, जहां कोरोना योद्धा और अधिकारी 2400 घंटे प्रारंभिक स्तर पर कोरोना को परास्त करने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। हीट मैप्स हॉटस्पॉट को चिन्हित करने और इनको खतरे के आधार पर वर्गीकृत करने का सबसे उन्नत तरीका है। रेड स्पॉट यानी 14 दिन का आइसोलेशन, ब्लू स्पॉट का अर्थ है 14 से 28 दिन का आइसोलेशन,
ग्रीन स्पॉट, मतलब 28 दिन का आइसोलेशन पूरा हो चुका है। मानचित्र पर जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर जोन बनाए गए हैं। अगर मामले बढ़ जाते हैं तो ये खुद ब खुद मानचित्र पर लाल रंग में बदल जाते हैं। इसी को हीट मैप कहते हैं। We have set up a war room where all the statistics from the state is collected, compiled and analyzed. So you can get any statistics connected to corona, not only for Karnataka, but also we collect statistics for comparison purposes from other states. Quarantine app, जिसमें GPS टैग होता है, उसे क्वारंटाइन किए गए मरीजों को डाउनलोड करना पड़ता है। रोगी को हर दिन एक सेल्फी कंट्रोल रूम भेजनी होती है ताकि उनकी निगरानी अच्छी तरह से की जा सके। कोरोना वॉच एक अन्य ऐप है जो पहले से पाए गए पॉजिटिव मामलों को ट्रैक करता है। कोरोना ट्रेसिंग ऐप नागरिकों के लिए सार्वजनिक डोमेन में पॉजिटिव रोगियों के डेटा को डालकर ये जानकारी देता है कि वो कभी किसी पॉजिटिव रोगी के संपर्क में आया था। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग अब एक फोन ऐप का उपयोग करके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर दे रहा है। इस बहुआयामी उन्नत तकनीक के उपयोग का परिणाम है कि कर्नाटक इस घातक बीमारी की बड़े पैमाने पर रोकथाम करने में सफल होता दिखाई दे रहा है। एक प्रोडक्ट प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी के तहत काम किया है। इंस्टेड ऑफ कि वायरस इज चेजिंग अस एंड वी रिएक्टिंग टू इट, हमारा फोकस हमेशा से सर्वेलेंस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और केस मैनेजमेंट के माध्यम से वायरस को एक्टिवली चेज करने का रहा है। इट इज इंपॉर्टेंट कि हम लोग बिहेवियरल चेंज और सोशल डिस्टेंसिंग को एक अपनी लाइफ में समाहित करें और हम सोशल वैक्सीन यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग को अपनी लाइफ का एक मेजर पार्ट बनाएं। चैलेंज बहुत बड़ा है, बट आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इंडिया हैज टू वर्क हार्ड एंड इमर्ज सक्सेसफुल आउट ऑफ इट। धन्यवाद। धन्यवाद। एक इनपुट मैं शेयर करना चाहूंगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के बारे में है। रेलवेज हैज लोडेड एंड कैरिड मोर देन 1.9 लाख वैगन्स ऑफ कोल एंड मोर देन 13,000 वैगन्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। जनरली वन वैगन कंटेन्स 58 टू 60 टन ऑफ कंसाइनमेंट and this carriage was during the last 11 days. Now we take question from Pranoy, ABP. मेरा सवाल ICMR से है। पहला तो वो लेके चाइना से जो कंसाइनमेंट आया था, क्या वो चाइना ने US डाइवर्ट किया है, और अगर है तो हमने क्या चाइना के साथ टेकअप किया है जो मैन्युफैक्चरर जिनसे टेस्टिंग किट्स आनी थी? पहला कंसाइनमेंट कब तक आने की उम्मीद है जो भारत ने पहला ऑर्डर दिया था उसके लिए? और दूसरा ये कि CDC ने एक स्टडी कंडक्ट की है रिसेंटली, US CDC ने, ट्रांसमिशन ऑफ वायरस के ऊपर, कि ये शू सोल से भी ट्रांसमिट हो रहा है। अभी तक ICMR के इसकी ट्रांसमिटेबिलिटी के ऊपर क्या स्टडीज हैं और अभी तक हमारा है वो क्या सजेस्ट करता है ट्रांसमिशन ऑफ दिस वायरस पे? पहला जो सवाल आपने पूछा, क्या चाइना का माल अमेरिका डाइवर्ट हुआ, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हम न कमर्शियल डेटा रखते हैं न मैन्युफैक्चरर हैं, तो कहां से कहां गया ये ICMR को पता नहीं चलेगा। दूसरी बात, चाइना से कुछ किट आ रहे हैं क्या? वो शायद 15 तारीख को पहला कंसाइनमेंट पहुंचेगा, ऐसा हमारा हमको जो बोला गया है 15 तारीख को थोड़े किट्स आएंगे। रहा तीसरा सवाल वो ट्रांसमिशन के हिसाब से, एक चीज हमने याद रखना है कि जब इस किस्म की बीमारी आती है और उसमें हम अलग अलग ढंग से वो ट्रांसमिट होता है क्या जब देखते हैं, तो साइंस में सबसे बड़ा सवाल क्या खड़ा होता है, उसकी स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस कितनी बड़ी है। स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस इसलिए है कि मुझे ये बोलना पड़ेगा कि इनको जो ट्रांसमिशन हुआ ये खांसी या किसी एक्सपोज्ड आदमी के संपर्क में आके नहीं हुआ है, या ये कहीं ऐसी जगह नहीं गए थे कि जहां उनको लग सकता है। अब सिर्फ जूतों से हुआ है ये बोलने के लिए बहुत बड़ा एविडेंस लगेगा। मैं ऐसे एविडेंस को सिर्फ एक ही अगर रिपोर्ट आया तो उसको इतना आसानी से मानूंगा नहीं। ऑनलाइन क्वेश्चन है। सम मीडिया पर्सन्स हैव बीन आस्किंग
why there is no list of designated COVID hospitals in the Ministry of Health website. And they have further cited that one of the reasons of higher death rate in Mumbai and Maharashtra because the information about COVID hospital was not available. Sir, the reason why we have not kept a specific list of hospitals as of now is because we do not want people to unnecessarily feel panic and flood those hospitals. What is important, मैं आप सब लोगों से request करना चाहूँगा कि जो भी क्योंकि ये infectious disease है तो जो भी suspected case या contact history या कोई आदमी अपने आप को suspect feel करता है तो government of India के call center number से या state government के call center number से संपर्क करें उनके symptoms उनकी situation के basis पर साथ में जो हमारे COVID dedicated hospital हैं वहाँ पर कितने room अभी already housed हैं उसके बेसिस पर उनको प्लान करके सफिशिएंट गाइडेंस दी जाएगी कि वे किस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाएं और उसको मॉनिटर किया जाएगा मिस्टर नीलू दैनिक जागरण प्लीज टेक माइक सर ये पश्चिम बंगाल से एक खबर आ रही है कि वहां पे राज्य सरकार जो है वो टेस्ट के लिए सैंपल्स नहीं भेज रहे हैं उतना और बहुत कम टेस्ट हो रहा है और उसी के साथ मुझे हेल्थ मिनिस्ट्री से भी है कि होम सेक्रेटरी ने स्पेशल लिखा है पश्चिम बंगाल को कि लॉकडाउन के जो नियम है वो लागू नहीं हो रहे हैं और वो ढंग से लागू करना चाहिए अगर इस ढंग से अगर लापरवाही किसी एक स्टेट में रही तो क्या ये पूरी लड़ाई पूरे देश में पीछे नहीं जाएगी मैं शायद इसके बारे में लव अग्रवाल साहब से बात करना देखिए हमारा प्रयत्न है कि हम इंफेक्शन डिजीज मैनेजमेंट में पूरे देश में यूनिफॉर्मली हर तरीके से जो भी हमारे रूल्स हैं हमारे डूज एंड डोंट्स हैं उनको फॉलो किया जाए जिसके तहत होम सेक्रेटरी साहब एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से हम उन्हें रेगुलर बेसिस स्टेट के साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम उन्हें बताते हैं कि ये हमारी गाइडलाइंस हैं ये हमारी कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज हैं और जिसके तहत ही ऑलरेडी जो आप आज कंट्री में रिजल्ट देख रहे हैं वो उसी एफर्ट का नतीजा है कि कैसे मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम कर रहे हैं मिस्टर साहिल फ्रॉम एएनआई गुड आफ्टरनून मेरा नाम साहिल है मैं ईएनआई न्यूज एजेंसी से हूँ मेरा क्वेश्चन आईसीएमआर के लिए है सर अभी भी काफ़ी डॉक्टर्स पॉजिटिव पाए जा रहे हैं इसका मुख्य कारण क्या है और क्या पीपी अवेलेबल नहीं है इसलिए हो रहा है इसके बारे में थोड़ा बताएं थैंक यू नहीं मैंने जैसे पहले भी बोला है किसी चीज का एट्रीब्यूशन को मैं क्या बोलूँगा किसी चीज का सही कारण क्या है ये ढूंढना बहुत कठिन होता है जैसे आप बोल रहे हैं समझ लीजिए उसको मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे ऐसे अभ्यास अगर करना है तो उसका एक्सपोजर कौन सी वजह से ज्यादा हुआ है ये समझने के लिए मुझे कुछ तो नुस्खा इस्तेमाल करना पड़ेगा जो इतना आसान नहीं है आपने अगर ऐसे देखा तो आज भी आपको ये पता नहीं है कि एक्सपोजर यानी क्या होता है एक्सपोजर यानी कोई इंसान वो कोविड हुए वाले इंसान के साथ 3 फीट के डिस्टेंस पे 4 घंटा खड़े रहा तो उसको एक्सपोजर मानेंगे क्या ये जो जानकारी होती है ये जैसे टाइम जाएगा वैसे होगी अक्सर हम जो सुन रहे हैं कि पीपी के वजह से हुआ ये कहने के लिए हमारे पास उतना सबूत अभी तक है नहीं जब तक हम एक्सपोजर नहीं गिन सकते तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि कब उसको और किस मार्ग से हुआ है ये बहुत कठिन होता है सर लेट मी ऐड ये जैसे मैं आपको इससे पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि हमारे पास अगर कोई हेल्थ केयर रिलेटेड हेल्थ प्रोफेशनल रिलेटेड इन्फेक्शन के जो मामले आए हैं वह मामले 2 तरीके से आए हैं एक उस केस में कि जिसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री थी या कॉन्टैक्ट हिस्ट्री थी हेल्थ प्रोफेशनल थे और उन्होंने अपने रेगुलर इंटरेक्शन में अपने ही हॉस्पिटल या अपने इंटरेक्शन के थ्रू और लोगों को फैलाया वह केसेस जो नंबर है उनका केसेस का नंबर ज्यादा है जो कि हेल्थ प्रोफेशनल रिलेटेड इन्फेक्शन है एक मिनिस्क्यूल परसेंटेज उन लोगों की भी है जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए भी इन्फेक्ट हुए हैं इसी के